चीन उपचुनाव के नतीजों के बाद चौटाला परिवार की लड़ाई में नया मोड़ आ गया है और इस बार नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से पोल खोलने का काम कर रहे हैं अजय सिंह चौटाला का, उसका जवाब देने के लिए दुष्यंत चौटाला खुद सामने आ गए हैं। जी हाँ, हरियाणा में चौटाला परिवार की कला थमने का नाम नहीं ले रही है। भले ही अजय सिंह चौटाला ने जेजेपी बनाकर अपनी अलग राजनीति शुरू कर दी हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं थम रहा है। अभय सिंह चौटाला ने अजय चौटाला पर टिकट बेचने और बेटे दुष्यंत के लिए इलेक्शन फिक्सिंग का आरोप लगाया है। टिकटें बेची गई, हमने खुल करके एक बात और भी बताई थी आज कार्यकर्ताओं को, किस तरह से पार्टी को कमजोर करने के लिए, दुष्यंत को सांसद बनाने के लिए अजय सिंह ने पार्टी के साथ बड़ी गद्दारी करने का काम किया था। अजय सिंह ने तो उनका बेटा सांसद बने इसके लिए, पार्टी को कमजोर करने के लिए अनेक राजनीतिक लोगों के साथ हाथ मिलाए और उनसे कहा था कि हम आपकी विधानसभा के चुनाव में मदद करेंगे। अभय का दावा है कि जयप्रकाश, नवीन जिंदल और कैप्टन अभिमन्यु से बेटे दुष्यंत को सांसद बनाने में मदद लेने के नाम पर अजय ने पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का काम किया है। बुधवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान इनेलो नेता अभय चौटाला ने जहां ये आरोप लगाए हैं, वहीं अभय के आरोपों को जयप्रकाश ने सिरे से खारिज करते हुए उन्हें अज्ञानी करार देते हुए चुनौती दी डाली। उन्होंने कहा कि यदि अभय के पास रिकॉर्डिंग है तो उसे पेश करें। सुने और क्या बोले जयप्रकाश। चौटाला परिवार के दो खेमों में बंट जाने के बाद से अभय और अजय भले ही सियासी तौर पर भी अलग हो गए हों, मगर एक दूसरे पर आरोप की बौछार लगातार जारी है। सौदेबाजी के आरोपों से अब शुरू हुई ये नई जंग किस हद तक पहुंचेगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।